हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल से मार्केट स्टॉकर। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें तो 10% इसमें जंप देखने को मिला था। आज के हाई की बात करें 10 रुपये 35 पैसे का आज का हाई है। लो की बात करें 9 रुपये 5 पैसे से 10 रुपये 35 पैसे तक आज इसमें जंप देखने को मिला था। नीचे भी गया था जस्ट बिकॉज ऑफ की मार्केट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बट अभी जो कि 10% तक ऊपर भी गया। सो गाइस, 52 वीक लो की और हाई की बात करें तो 7 रुपये इसका 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करें 13 रुपये 80 पैसे इसका 52 वीक हाई है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो काफ़ी ऊपर के अमाउंट का, जो कि करीब करीब 125 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था अप्रैल 2015 में, और एट प्रेजेंट आपको 10 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। दोबारा से डबल डिजिट में एंट्री कर चुका है। अगर इसे इसके एनालिसिस की बात करें तो गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन होने के चांसेस हैं। नियर फ्यूचर आपको एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्ट्रेंथ भी हैं। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 quarters, कंपनी विद 0 promoter pledge। अगर बात करें इसके वीकनेस की तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज की है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स, आरओसी डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, आरओई डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, ROI declining in the last 2 years, red flag downgraded by credit rating agency, companies with high debt, companies with the increasing debt, annual net profit declining for last 2 years। अगर बात करें इसकी opportunities की तो एक opportunities भी है, stock with low PE। थ्रेट की बात करें तो कोई थ्रेट इसमें नज़र नहीं आ रहा है। एंड अगर आज की बात करें तो गाइस, दोबारा से इसमें बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, और कल भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई थी, और आज भी आप देखें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहां पर लगी हुई है बाय करने के लिए। एंड अगर बात करें इसके सेंटीमेंट की तो गाइज, इसका सेंटीमेंट जो कि 81% बाय का, 11% सेल और 8% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नज़र आ रहा है। एंड इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी काफ़ी बेटर है। इवन अगर बात करें यहाँ पर जो कि अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने का मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि दिसंबर तक की बात करें। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो ऑफकोर्स जो कि यहाँ पर हल्का सा डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि दिसंबर क्वार्टर में जो इसका जो लॉस है वो और भी कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो गाइज, करीब करीब सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर में भी है जो कि नेट प्रॉफिट में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें होल्डिंग की तो गाइज, यहाँ पर 72.05% जो कि प्रोमोटर होल्डिंग है। एंड गाइज, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स 4.6% के साथ ऑलरेडी एंट्री इसमें ऑलरेडी है। एंड अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, 1.07% यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 22.28% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। गाइज, एक चीज़ और नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पर जो प्रोमोटर प्लेज है वो बिल्कुल जीरो है। एंड म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर, ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड प्लस फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर जो कि होल्डिंग डिक्रीज की है, ये एक बड़ा वीकनेस यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में नज़र आ रहा है। एंड इसके अलावा जो कि काफ़ी सारी न्यूज़ है, प्लस ऑफ कोर्स जो कि काफ़ी सारी न्यूज़ अभी आनी बाकी हैं, तो एक न्यूज़ जो कि फ्री में जो फ्री प्लान जो इन्होंने 6 करोड़ जो लो इनकम कस्टमर्स को दिए थे, वो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। एंड जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो कि मार्केट में इस जो शेयर प्राइस में जंप देखने को मिला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें तो काफ़ी बुरी न्यूज़ भी हैं। कैल्सा जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने जो कि इसका टारगेट है वो काफ़ी डिक्लाइन किया था, इवन जो इसका टारगेट कट किया था। कैल्सा कट्स टारगेट फॉर वोडाफोन आइडिया ऑन डिलेज इन एजीआर हियरिंग फंड रेजिंग टैरिफ हाइक। सो गाइस, ये न्यूज़ है ऑफकोर्स जो कि एजीआर की अभी रिकैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गए हुए हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की, टाटा टेली की या फिर भारतीय एयरटेल की, तीनों ने रिकैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। फंड रेजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है वोडाफोन आइडिया के लिए, जो कि काफ़ी अहम न्यूज़ है कि ये फंड रेजिंग कर रहा है। और काफ़ी जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है, इमिडिएटली यहाँ पर जो कि जैसे ही ये फंड रेजिंग होगी, ये काफ़ी जो कि आसमान छूने के लिए भागेगा ये गाइस।
अभी इसको लेना शुरू कर देना चाहिए, 10 रुपये से नीचे वर्थ है इसमें अभी लेने में। एंड टैरिफ हाइक की बात करें, ऑफकोर्स एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है अभी, जो कि जैसे ही इसमें प्राइस इंक्रीमेंट होगा, जो इसके प्लान में इंक्रीमेंट होगा, ये इवन इसका जो प्रॉफिट है प्लस रेवेन्यू है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ की टैरिफ हाइक, जो कि पर रिचार्ज में क्या इसमें जो कि चेंजेस होंगे उसमें हाइक होगा, तो उससे भी ऑफकोर्स जो कि इसमें काफ़ी इसका जो रेवेन्यू है प्लस प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके जो कि काफ़ी सारी जो कि न्यू जो कि हायरिंग हो रही है काफ़ी इवन टॉप मैनेजमेंट से, इट मींस कि कंपनी में अभी पोटेंशियल है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है टॉप मैनेजमेंट में यहाँ पर, जो कि इतनी बड़ी बड़ी हायरिंग हो रही है। एक न्यूज़ ये है कि न्यू चीफ डिजिटल ऑफिसर जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं मिस रीना जैन, जो कि ये न्यूज़ है 17 मई की एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाई थी, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे जो कि MD एंड CEO मिस्टर रविंदर ठक्कर, जिनको डायरेक्टली ये रिपोर्ट करेंगे। एंड पार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें तो एक हायरिंग ये हुई थी वोडाफोन आइडिया एज हेड ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट सर्कल, मिस्टर अलोक श्रीवास्तव। तो ये भी 8 जून को ये इसकी जो कि ऑफकोर्स जो कि ज्वाइन हुए थे, एंड आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कि टॉप मैनेजमेंट पे इतनी बड़ी बड़ी हायरिंग हो रही है, इट मींस कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होने बाकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड अगर बात करें इसके जो कि एक न्यूज़ की ये है कि वोडाफोन आइडिया लैंडर स्टे एट हायर प्रोविजनिंग इफ लॉस मेकिंग टेलको डज नॉट रेज फंड। सो गाइस सबसे बड़ा मुद्दा जो कि फंड रेजिंग है, एंड जैसे ही फंड रेज होता है गाइज ये आसमान छुएगा, लंबे टाइम के लिए इसको लेके एक FD की तरह रख दे एक, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कि लंबे टाइम के लिए 2 से 3 साल भी हो सकता है, तो एक बड़ा अमाउंट आपको दे सकता है इतना जितना कि FD में आपको नहीं मिलेगा। सो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ज़बरदस्त हैं। अगर बात करें IPL की, तो ऑफ कोर्स एक न्यूज़ के थ्रू आपको मैंने बताया था कि ये को-स्पॉन्सर भी बना था, क्योंकि जो कि ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है लोगों की नज़रों में आने के लिए, एंड लोगों को ये सब दिखाने के लिए कि अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दम है, अभी ये अभी जियो और एयरटेल से टक्कर ले सकता है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑफकोर्स जो कि पॉजिटिव नज़र आ रही है। वोडाफोन आइडिया सर्जेस 10% इन 2 डेज एज कंपनी ऑलमोस्ट फाइनलाइज फंड रेजिंग प्लान। सो गाइज ऑलमोस्ट इसका जो फंड रेजिंग प्लान है वो फाइनलाइज होने के अभी जो कि कगार पे है, एंड जैसे ही ये फंड रेजिंग की कोई न्यूज आती है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागने वाला है। सो गाइज अभी से इसको इकट्ठा करना शुरू कर दें, एक बड़ा प्रॉफिट आपको इन फ्यूचर दे सकता है। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।